तो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जी के डांसर बॉय वीडियो क्रिएटर। आप लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। आप लोग को मैं कैनी मास्टर सिखाने जा रहा हूँ। देख सकते हैं मेरे फ़ोन पे कैनी मास्टर का एप्लीकेशन खुला हुआ है। जो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है वो प्लस का है। प्लस का सिंबल दिख रहा है आपका, बड़ा बटन है, उस पर आप लोग को क्लिक करना है। क्लिक कर दिया, इसमें तीन ऑप्शन दिख रहा होगा, एक 16:9, 9:16, 1:1। 16:9 है यूट्यूब के लिए, है यूट्यूब का जो वीडियो बनाने के लिए इसमें यूज किया जाता है। 9:16 है वो फ़ोन के लिए है, और 1:1 है ये इंस्टाग्राम वगैरह जो है उसका वीडियो ऐड करने के लिए है। मतलब उसी टाइप का रेशियो में आपका वीडियो चलेगा फ़ोन पे। तो हम लोग को जो सेलेक्ट करना है 16:9 सेलेक्ट करना है यूट्यूब के लिए। तो ये सेलेक्ट कर दिया। देखिए इस तरह का आप लोग के बीच इंटरफेस खुल चुका होगा, फ़ोन पे देख रहे होंगे। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक वीडियो ऐड करना है। तो मीडिया पे जाएंगे हम लोग। मीडिया पे जाने के बाद देख लीजिए बहुत तरह का इंटरफेस खुल चुका होगा। तो मैं तो अपने चैनल पे यूट्यूब पे फ्री फायर का वीडियो अपलोड करते हैं। तो देख लीजिए फ्री फायर का वीडियो एक हम लोग उठाते हैं यहाँ से। ये उठा लिया मैंने, ये आ गया, देख लीजिए फ्री फायर का वीडियो आ गया। अब हम लोग में क्या होता है इस पे कि जो अधिकतर जो हम लोग को प्रॉब्लम जो होता है फेस से गुजरना पड़ता है वो होता है कि कट करने के लिए, बीच में ऐड करने के लिए, कुछ ऐसा पार्ट हो उसको हटाने के लिए, इंट्रो लगाने के लिए, यही प्रॉब्लम से अधिकतर बंदे गुजरते हैं। और जो मेन बेसिक होता है यही होता है कैन मास्टर में। बाकी मैं और धीरे धीरे आप लोग को सिखाऊंगा, फिलहाल इतना सीखना आप लोग को ज़रूरी है। इस पे क्या करेंगे हम लोग, देख लीजिए एक जो आपको रेड लाइन दिख रहा है, जो भी है इस पर प्रोग्रामिंग होता है सब उसी के माध्यम से होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक टाइमिंग फिक्स कर दिए, देखिए 40 सेकंड का टाइमिंग फिक्स कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ टच कर दीजिएगा तो वीडियो सेलेक्ट हो जाएगा आपका। सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पर एक कैंची का सिंबल आप लोग को दिख रहा होगा, उसी पे टोटल कंट्रोल है कैंची पे। तो कैंची को हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिए, फर्स्ट ऑप्शन दिख रहा है ट्रिम टू लेफ्ट ऑफ प्लेहेड। इसमें करने के बाद क्या होता है, जो लेफ्ट साइड का जो हिस्सा होता है वो कट जाता है वीडियो। तो देखिए आप लोग के आपके सामने ये करता हूँ, ये कर दिया मैंने आप लोग के सामने, लेफ्ट साइड का वीडियो कट चुका है, ठीक है। अब फिर उसके बाद आगे दिखाता हूँ, फिर से आप लोग को वीडियो आगे करना है, एक टाइमिंग पे सेलेक्ट कर लेना है। टाइमिंग को सेलेक्ट कर लिए, 33 सेकेंड पे सेलेक्ट कर चुके हैं। फिर कैंची का सिंबल पे जाना है। फिर दूसरा ऑप्शन है ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड, यानी कि जो आपका राइट साइड का हिस्सा है वो कट हो जाएगा। देखिए आप लोग के सामने कट होगा, देखिए कट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि कट हो गया। फिर उसके बाद सेलेक्ट करेंगे तीसरा ऑप्शन क्या है, स्प्लिट एट प्ले हेड। अब ये क्या होता है स्प्लिट एट प्ले हेड, इसका मेन मोटिव है कि इसमें अगर आप लोग बीच में कोई वीडियो ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि चैनल का इंट्रो हो गया या कोई एक्स्ट्रा वीडियो ऐड करना चाहते हैं जो भी आप लोग को अच्छा लगे, तो ये जो होता है यही काम आता है स्प्लिट एट प्ले हेड। इसमें क्लिक करेंगे तो एक कट मार्क आ जाएगा, देखिए कट मार्क आप लोग के बीच आ गया होगा, देख रहे हैं ना। तो इसको हम लोग साइन का क्लिक कर देंगे, साइन हो गया, ये कट मार्क आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, सिंपली जो मीडिया का बटन दिख रहा है आप लोग के ऊपर क्लिक करना है मीडिया का बटन पे। अब बहुत तरह का इंटरफेस खुला होगा जो भी आपके फ़ोन स्टोरेज में है। तो मेरा चैनल का इंट्रो मेकर है, इंट्रो मेकर एप्लीकेशन से अपना चैनल का इंट्रो बनाया हूँ, वो मैं सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट किया, देखिए बीच में आ गया है जीके डांसर बॉय वीडियो क्रिएटर। तो सिंपली हम लोग साइन का सिंबल क्लिक कर देंगे, ये देखिए आ चुका है। अब हम लोग इसको प्ले करके देख लेते हैं, देखिए प्ले कर दिए हम लोग, वीडियो प्ले हो चुका है। देखिए मेरा चैनल का इंट्रो आ चुका है जीके डांसर बॉय वीडियो क्रिएटर, तो बीच में ये आ गया। तो फिलहाल आप लोग इतना ही सीखिए, उसके बाद आप लोग को धीरे धीरे सिखाएंगे। अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिएगा, और अपने इस भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।